दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि आने वाले 70 दिनों में चीन ताइवान पर कब्जा कर ले। इसके लिए उसने एक मिलिट्री ड्रिल बोहाई समुद्र में, जो ताइवान के प्रतास दोगंसा आइसलैंड के पास है, वहां पे चालू किए। दोस्तों, 70 दिनों तक चलने वाले इस महाअभ्यास के दौरान चीन की सेना लाइव फायर ड्रिल करेगी। इसके अलावा जमीन और पानी दोनों जगहों पर सेना को लैंड कराने का अभ्यास करेगी, जिसमें शामिल है एंटी एयर मिसाइलें, H-6 बॉम्बर, KJ-500 अर्ली वार्निंग जेट और J-11 फाइटर जेट। दोस्तों, चीनी सेना की मिलिट्री ड्रिल गत गुरुवार से 31 जुलाई तक चलेगी। वहीं दूसरी ओर 20 मई को ताइवान की राष्ट्रपति त्साई इंग-वेन भाषण देने जा रही है और चीन इस महाअभ्यास को लेकर उनको चेतावनी के रूप में देख रहा है। चीन को डर सता रहा है कि ताइवान की राष्ट्रपति कहीं पूर्ण आज़ादी की ऐलान न कर दे, जिसे देखते हुए चीन की सेना ने बोहाई सागर के करीब 2000 किलोमीटर के इलाके में किसी के भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। दोस्तों, इसी बीच ताइवान ने घोषणा की है कि वह जून के महीने में फायरिंग का अभ्यास करेगा। ताइवान ने कहा है कि इस अभ्यास के दौरान दोगंसा द्वीप समूह पर मोर्टार और मशीन गन पोजीशन की परख की जाएगी। दोगंसा द्वीप, जिसे प्रतास द्वीप भी कहा जाता है, इसके दो किनारे हैं। ताइवान ने इसे नेशनल पार्क घोषित कर रखा है। ताइवान ने चीन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने के लिए दोगंसा द्वीप समूह पर कोस्ट गार्ड की 2 स्क्वाड्रन तैनात कर दिए पहले से। इसके अलावा 20, 40, 81 और 120 mm के मोर्टार भी द्वीप समूह पर तैनात कर दिए गए हैं ताइवान की तरफ से, चीन को चेतावनी के हिसाब से। वहीं दूसरी ओर चीन की नापाक हरकतों को देखते हुए अमेरिका ने भी इलाके में अपने 3 युद्धपोत भेज दिए। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका ने प्रशांत महासागर में अपने कई एयरक्राफ्ट करियर भी भेजे हैं। अमेरिका के इस कदम के बाद से ही इलाकों में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। माना जा रहा है कि चीन अब ताइवान पर कब्जे के साथ साथ साउथ चाइना सी से पेट्रोकेमिकल्स और अन्य मिनरल निकालना चाहता है। इलाके में एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने की भी योजना है। दोस्तों, ऐसा माना जा रहा है कि साउथ चाइना सी पर युद्ध के हालात पैदा हो सकते हैं, जिस युद्ध में चीन, अमेरिका और रूस शामिल हो सकते हैं। उधर चीन के रक्षा मंत्री जनरल वेई फंगे ने कहा कि अगर अमेरिका की तरफ से युद्ध के हालात पैदा किए गए तो चीन हर कीमत पर लड़ने को तैयार रहेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में साउथ चाइना सी में एक महाभयंकर तबाही देखने को मिले, जहां पर विश्व की सारी शक्तियां इकट्ठी हो जाए और चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो दोस्तों, डेफिनेटली इंडिया ताइवान का साथ देगा, अमेरिका का साथ देगा, जिसे चाइना को उसकी असल औकात हम दिखा सके। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस टॉपिक को लेकर जैसे कुछ अपडेट आएगी, मैं आपको वीडियो बनाकर जरूर दूंगा। तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया आप सभी का।